तो दोस्तों हाल फिलहाल में आप लोग जिस बाइक को देख रहे हो ना तो वो है रॉयल एनफील्ड का ही एक 450 सीसी वाला बाइक। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि ये जो बाइक का नेम है ना तो वो बोला जा रहा है कि गोरिल्ला 450। बाकी भाई इस वाले बाइक को देख के ना आज से बहुत दिनों पहले से बहुत सारे लोग इवन मैं भी भाई कुछ यही बोला था कि ये जो बाइक है तो ये एक रॉयल एनफील्ड का ही हंटर 450 वाला जो मॉडल है तो वो कुछ होने वाला है। लेकिन भाई नाम जो है ना तो वो भाई चेंज हो चुका है, मतलब की बात कुछ ऐसे की गोरिल्ला 450 जो है ना तो वही अभी नेम है इसका। बाकी वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जिस बाइक को देख रहे हो ना तो इसका जो नाम है ना तो वो बोला जा रहा है कि गोरिल्ला 450। हालांकि ये रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से ही आने वाला है। वैसे तो ये जो बाइक है ना तो इसको आज से बहुत दिनों पहले भी दिखा गया था बहुत बार दिखा गया था, जो कि भाई ये जो बाइक है ना तब देख के बहुत सारे लोग इवन मैं भी कुछ ऐसा ही बोला था कि ये जो बाइक है ना तो ये रॉयल एनफील्ड का हंटर 450 वाला जो मॉडल है तो वो कुछ होगा। लेकिन भाई अभी के डेट में बात कुछ ऐसा है कि ये जो बाइक है ना तो इसका जो नाम बोला जा रहा है तो वो है 450। बाकी भाई ये जो बाइक है देख ही सकते होंगे एक मॉडर्न क्रूजर वाला तो नहीं, लेकिन मॉडर्न एक स्क्रैम्बलर वाला जो लुक के साथ में है ना तो वही कुछ है। बाकी अगर बात किया जाए ये गोरिल्ला 450 के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा तो पहले बात तो देख ही सकते होंगे सामने दिया गया है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको देखने को मिलने वाला है जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर तो वो। बाकी भाई देख ही सकते होंगे डिस्क ब्रेक के साथ में ये मॉडल है। हालांकि इसी बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक के साथ में आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। बात कुछ ऐसे कि ये जो गोरिल्ला 450 वाला मॉडल है तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लाइट्स के सेटअप के अंदर LED लाइट्स का ही जो सारा का सारा चीज है तो वो। बाकी हैजर लाइट वाला जो फीचर है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, एक्सपेक्ट तो यही कुछ किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा ना तो वो एक पूरे ही तरीके से एक डिजिटल वाला होने वाला है, जो कि देख सकते होंगे आपके सामने है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ इस तरीके का ही जो एक मीटर कंसोल है तो वो कुछ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको कलरिंग डिस्प्ले जो है ना तो वो तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन भाई इस वाले डिस्प्ले के साथ में ना आपको कुछ फीचर्स भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अभी के रेट में एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा और इसके ही साथ ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी, बाकी ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर वगैरह जो भी कुछ है तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये भी कुछ बात है कि ये जो गोरिल्ला 450 वाला मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा तो ये एक पूरे ही तरीके से न्यू इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करेगा ना 450cc कैटेगरी के अंदर तो वो होने वाला है 40 BHP, मतलब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। और इसके ही साथ ये जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा ना तो वो है 40 Nm। बाकी 6 स्पीड का जो बॉक्स है तो उसके साथ में आपको बोला कुछ यही जा रहा है, मतलब एक्सपेक्ट जो है ना तो वो कुछ यही किया जा रहा है कि जो असिस्टेंस स्लीपर क्लच वाला जो ऑप्शन है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और ये जो इंजन है ना तो ये भी एक लिक्विड कूल वाला सिंगल सिलेंडर इंजन है, DOSC 4 वेल्व वाला। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।